नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निसल दस्तक। मेरे कई एनआरआई दोस्त हैं, जान पहचान वाले, वो कहते हैं कि भारत से जो तथाकथित जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो जब विदेश जाते हैं तो सूटकेस में जाति लेकर जाते हैं। भारत में खासकर जो रविदसिया समाज के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो काफी संख्या में कनाडा, अमरीका और यूरोप में रहते हैं। केपी चौधरी मेरे साथ हैं, वो कई बार विदेश के टूर कर चुके हैं और भारत में SC ST एसोसिएशन के सबसे बड़ा जो घटक है उस परिसंघ के महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं। तो कास्ट एट्रोसिटी से लड़ने का उनका भारत में अनुभव है। मैं एक वकील, जो हमारे साथी वकील है सुप्रीम कोर्ट में, नितिन मिश्राम, उनको भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो लगातार इन सब मामलों को देखते रहते हैं। और मेरे साथ खास मेहमान है, अमरीका से 4-3 लोग जुड़ रहे हैं इस समय, जो परमजीत हैं, उसके बाद वर्ल्ड वाइड BSP सपोर्टर्स हैं, और ये तमाम लोग जो हैं जो कॉर्पोरेट में वहाँ काम करते हैं, एक शख्स कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या सचमुच अमेरिका जैसे देश में पूरा मामला कोर्ट में चला गया। मैं एक बार पूरा मामला चाहता हूं कि आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो सिस्को कंपनी से जुड़ा हुआ है। सिस्को कंपनी, जिसको हम और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि उसमें भी जातिवाद का जो है मामला सामने आया है। और उसके बाद सोचिए कि वहां अब एक सर्वे आया है जिसमें ये बात पता चली है कि 67% सुंदर अय्यर और रमन्ना कंपेला, ये दो शख्स हैं जिन पर यह आरोप लगा है। US के कैलिफोर्निया स्थित सिस्को कंपनी में भेदभाव का आरोप है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि अदालती कार्रवाई, कोर्ट में मामला पहुंच गया है और लॉ सूट में कहा गया कि 67% दलित USA में भेदभाव का शिकार है, कुछ लोग इसको नहीं भी मान सकते हैं। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका से हम शुरू करेंगे। परमजीत, क्या लग रहा है, ये क्या आप लोग का निजी अनुभव किस तरह का रहता है? वहां से जो भारत से गए हुए लोग हैं जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, वो अमेरिका जाकर भी यही सब करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शंभू जी, आपने जैसे बोला कि जैसे बाबा साहब ने एक बार कहा था कि जो भारत के लोग है ना, जब बाहर जाते हैं और कुछ लेकर जाए चाहे ना, पर अपनी जाति को साथ में ले जाते हैं। तो इधर में भी ऐसा हो जाता है, पर बिकॉज इधर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इधर में जो कानून है उसको सख्ती से लागू करते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इधर बहुत अच्छा है, आप किसी भी बेस पर, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इधर, किसी को जॉब से रखने से नो इनकार नहीं कर सकते। पर वो माइंड है ना, माइंड सेट है, जो जैसे भारतीय मूल के लोग इधर आते हैं वो माइंड सेट अपना वही लेकर आते हैं, जातिवादी माइंड सेट है जो, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो वो वर्ल्ड में सभी हो रही है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, नहीं तो जो भारत के ही लोग होते हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं भारत के लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो भारत के लोग होते हैं, बिकॉज वो ही तो लेकर आते हैं ना वो माइंडसेट, जो जातिवादी माइंडसेट है, तो फिर वो कहीं ना कहीं काम कर जाती बातें, वो जो माइंड में होता वो बाहर तो आएगा ही। तो ये जो अभी जो ब्लैक वहां जो अश्वेत समाज का आंदोलन चला था, मैं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, अब हम लोग शुरू कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा। ये जो ब्लैक का आंदोलन चला था, इस आंदोलन में भी क्या उन लोगों का किसके साथ थे, वो गोरों के साथ थे या ब्लैक कम्युनिटी के साथ थे? क्या पूछा आपने, गोरों के साथ कौन थे? जो यहाँ के जो वो लोग जो जाति के नाम पे वहां सारा कुछ करते हैं, वो जो ब्लैक लोग आंदोलन चला था उसमें वो किसके साथ थे, गोरों के साथ थे या कालों के साथ थे? वो ऐसे ही होता है, मिक्सअप से होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में तो जाकर बोलते थे कि कालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इंडिया में उन्होंने देखो वो कम्युनल बांट को लागू नहीं होने दिया। तो सभी तरह के लोग है इधर, तो जब ऐसी कोई बड़ी होती प्रॉब्लम तो खुद को ऐसा शो अप ऐसा करते कि वो बहुत सेकुलर है या मानवतावादी है,
और वो फिर भी कोई ना कोई, जैसे ये सिस्को कंपनी काफी बड़ी है पूरे अमेरिका में, मेरे ख्याल इसकी ब्रांचेस है, और इसमें भी अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी नहीं ऐसा बोलेगी कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो, वो सारा अच्छा होता है काम। तो जो इधर ब्लैक की प्रॉब्लम है वो भी हमारे कास्ट सिस्टम जैसी है, तो वो भी इधर चलता रहता है। मैं लॉन्ग टाइम मैंने इधर टैक्सी चलाया तो मेरी बात हो जाती थी वो अफ्रीकी मूल के जो लोग है इधर, अफ्रीकन अमेरिकन। तेजिंदर, आपका क्या अनुभव है? आप चूंकि कॉर्पोरेट में हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके साथ कभी इस तरह का होता है? और जो भारत के लोग हैं, क्या अमेरिकन भी अब समझने लगे इस बात को? अच्छा बात ये है शंभू, पहले तो मैं वर्ल्ड वाइड बीएसपी सपोर्टर्स की ओर से नेशनल दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो विषय आज आपने चुना है ना, ये विषय बहुत सी जो जो अनटचेबल कम्युनिटी जिसको बोला जाता है, और ये जो ऐसी समाज से जो लोग आते हैं उनसे उनसे बात जुड़ी हुई है, इसीलिए पहले तो नेशनल दस्तक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो आपने विषय चुना है। ये ट्यूसडे का जो ये जो न्यूज है इसको मैं बहुत ही मंदभागा मानता हूँ, क्योंकि सिस्को के साथ मैं तकरीबन तकरीबन पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ओके क्योंकि आप मैं ऐसे है क्योंकि मैं एज ए मैंने डायरेक्टली सिस्को में काम एक थोड़ा किया था, बट क्योंकि मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करता हूँ तो मेरा जो डिवाइसेस होती है, क्योंकि जो नेटवर्किंग में सिस्को की डिवाइसेस ही चलती है, क्योंकि इसको के मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्किंग में सिस्को के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, अगर सिस्को नहीं है तो नेटवर्किंग भी नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं तब भी हमारी जो बातें हैं वो नेटवर्किंग डिवाइसेस से ही होकर जा रही हैं। तो बात ये कर रहा था कि क्योंकि मेरा ऐसे है ना, क्योंकि मैं एज ए सीनियर नेटवर्क इंजीनियर और एज ए मैनेजर भी मैंने काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, जो रिसेंटली मेरी कंपनी है उसमें कोई, क्योंकि मेरे अंडर दो डेटा सेंटर है, मैं तकरीबन तकरीबन मोर देन 10,000 सिस्को की डिवाइसेस को हैंडल करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सिस्को के साथ टिकट ओपन वगैरह भी होता है, लेकिन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैंने सिस्को में पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी जो कंपनी है कि अमेरिकन कंपनी है, क्योंकि हम लोग वैसे तो ब्राउन पीपल और ब्लैक पीपल में ही आ जाते हैं, क्योंकि व्हाइट पीपल में तो हम लोग जाते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो अमेरिकन लोग है ना वो नहीं करते, इक्का दुक्का को छोड़कर, क्योंकि इक्का दुक्का नहीं, में भी मामला भी अमेरिकन का नहीं है, ये मामला भारतीय मूल के जो अपर कास्ट भारतीय मूल के लोगों रहते का हैं, है। तो उसका अनुभव कैसा रहता है? मतलब ये लोग हाँ कहाँ भी जाते हैं, जाति लेके जाते हैं? ये ऐसे है ना कि इंडियन इंडिया के जो लोग है ना, ये जहां पर भी जाएंगे जाति लेकर ही जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोला कि भाई हाँ भाई अकेला ब्राह्मण ही जाति लेकर चलेगा, जो भी लेकर लेकर चलता है वो जाति लेकर ही चलता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ऐसे है ना, क्योंकि हमारी, क्योंकि अगर जाति को ढूंढने जाओ जाति है कहाँ पर, एक हमारे वो रशिया का एक स्कॉलर था, उसने पूछा था कि जाति है कहाँ, अगर जाति कहीं पर आगा आप ढूंढोगे जाति कहीं कहीं पर नहीं है ब्रेन के अलावा, क्योंकि जाति ब्रेन में है, अगर आप ब्रेन से निकाल दो तो जाति निकल जाएगी, लेकिन जो इंडिया के मेंटेलिटी के लोग है ना वो अगर हायर अथॉरिटी पे होंगे तो वो ऐसे करते हैं, लेकिन अमेरिका का लॉ ऐसे है कि वो अगर उनको पता लग जाए कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो एक फटाक से उसको बाहर 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 कर देते हैं, क्योंकि एक तो मामले मैंने पहले देखे हुए ऐसे हुए हैं। तेजिंदर, आप कैलिफोर्निया से खुद जुड़े हुए हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप जो कैलिफोर्निया में, कभी आपका इस तरह का अनुभव रहा हो, या इक्का दुक्का ही ऐसे लोग हैं वहां जो भारतीय मूल के हैं? हाँ, आपसे सवाल है। हाँ, शंभू जी, जय भीम, जय पार्थ। देखो, इंडियन आदमी जिहड़ी भी कंट्री दे विच जाएगा वो जाति जाति व्यवस्था है वो नाल लेके जाएगा, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे पंजाब का जट हो,
जाटो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडियन आदमी की प्रॉब्लम है गोरे की नहीं। मैं गोरे के साथ काम करता हूँ एक बहुत बड़ी कंपनी में, गोरे ने मुझको कभी पूछा नहीं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। पर जहाँ जो इंडियन आदमी है ये जरूर पूछता है तुमको, तुम कहाँ से हो, क्या है जाति तुम्हारी, कौन सी बरादरी को। अगर उसको पता लग गया ये शूर कास्ट है तो वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। बट अमेरिका में ये लॉ नहीं करता कि तुम किसी के साथ किसी का जाति पूछो, है ना। ये सिर्फ प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन की। तो ये चौधरी जी आप तो जाते रहते हैं अमेरिका और भारत में, तो आपको एक्सपर्टीज है, सबसे बड़े सरकारी एससी एसटी एसोसिएशन के प्रधान महासचिव हैं। आप अमेरिका यूरोप कनाडा गए जाते रहते हैं, तो आपको बताते हैं लोग किस तरह का अनुभव है आपका, चूंकि आप विदेश जाते रहते हैं। देखिए भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी जो भारत में पैदा हुआ है वो जातिगत भावना से पूरी तरह ग्रस्त है, और भारत की राजनीति और भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो पूरी तरीके से जाति पे टिका हुआ है। अब सवाल आता है उन लोगों के बारे में जो लोग भारत से दूसरे देशों में जाकर सेटल हुए, जिनको हम एनआरआई कहते हैं। ये जो एनआरआई है ये बिल्कुल सही है जो हमारे मित्रों ने बताया कि जब भारत से या बाहर किसी भी देश में जाते हैं, जैसा कि मेरा सौभाग्य रहता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में भी मैं दो बार मुझे जाने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला, लोगों से मिलने का, सोचने का, समझने का। मुझे कनाडा के अंदर भी टोरंटो में, आप ओटावा में, आपके वैंकूवर में, कई सिटीज में मैं गया, लोगों से मिला, बातचीत हुई, वहां पर बाबा अम्बेडकर के कार्यक्रम को मैंने संबोधित किया। इसके अलावा मुझे लंदन भी जाने का मौका मिला। तो जहां जहां दुनिया के जिस कोने में मैं गया वहां मैंने इस फैक्टर को, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही इंडिया में ये है कि देश के अंदर एससी एसटी समाज के साथ जो एट्रोसिटी जातिगत आधार पर हो रही है उनसे समाज को निजात कैसे दिलाई जाए, समाज का चहुमुखी विकास कैसे किया जाए, देश का सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो जो सरकार की नौकरी में बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से आ गया है उसके साथ जो आए दिन अत्याचार हो रहा है। मैं आपको इससे पहले कि मैं एनआरआई जो हमारे बाहर गए हैं एससी समाज के, एसटी समाज के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके साथ किस तरह का अत्याचार भारत से गए हुए जनरल कैटेगरी के एनआरआई करते हैं, मैं इंडिया का ही आपको एक एग्जाम्पल जो एक दो पिछले एक हफ्ते के अंदर हैपन हुआ है, मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्थान है, उस संस्थान के अंदर एक एसटी कैटेगरी का अधिकारी जिसका नाम अरुण पाल है, वो आदमी 10 साल से देहरादून सिटी से बाहर है, उसकी घरवाली को कैंसर है, वो 58 साल का है, और उसके साथ साथ एक दूसरा अधिकारी जो सामान्य जाति का ब्राह्मण है वो देहरादून से 4 साल से बाहर है, वो 51 साल का, उसकी पत्नी प्रोफेसर है देहरादून के अंदर, यानी कि LIC के मैनेजमेंट में 4 साल जो आदमी देहरादून से बाहर रहा सामान्य जाति का, 51 साल का था, जिसकी पत्नी भी ठीक ठाक है, उसको देहरादून वापस पोस्ट कर दिया 4 साल के बाद। और जो जनरल शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का आदमी है अरुण पाल, जो 10 साल से देहरादून से बाहर है और उसकी उम्र 58 साल, उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, उस आदमी को 10 साल के बावजूद भी देहरादून वापस नहीं किया। ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है, ये कास्टिज्म नहीं है तो और क्या है, कि उस जाति सामान्य जाति के अधिकारी के पक्ष में जो प्रबंधन काम कर रहा है वो प्रबंधन ने उसको 4 साल में देहरादून वापस भेज दिया, और उससे जो आदमी 7 साल बड़ा था, इसकी घरवाली कैंसर से पीड़ित है, कोई कंसिडरेशन नहीं किया, उस आदमी को अभी बेचारे को कानपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब मैं आता हूँ एनआरआई की बात, जो आप कह रहे हैं जितने एनआरआई हमारे बाहर गए हैं उन्होंने जो हमारे साथ शेयरिंग की है, कि अगर लंदन की हम बात करते हैं शंभू जी, तो लंदन में अगर अंग्रेज किसी इंस्टीट्यूशन का मालिक है, संस्था का मालिक है, और उसके अंदर भारत के एनआरआई एससी एसटी जनरल के लोग काम करते हैं, अगर जनरल का कोई, अगर एससी एसटी का आदमी अगर कोई लीड करता है यानी सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहा है और उसके नीचे पंजाब का सिख जट काम करता है, तो अंग्रेज से बोलता है कि मैं इसके नीचे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पूर्वज मेरे पूर्वजों का काम मेला उठाते थे, ये लोग भारत में हमसे छोटे हैं, इनकी जाति छोटी है। तो अंग्रेज पूछता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, तुम अंग्रेज इस विषय में नहीं जानता, लेकिन इन लोगों ने जा करके अंग्रेज को भी ये समझाने में कामयाब रहे कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत की जातिगत व्यवस्था में इनका स्थान हमसे छोटा है, हम इनसे बड़े हैं, भले ही ये लंदन में आकर के ये बड़े पदों पर आ गए हैं, लेकिन इंडिया में ये हमसे छोटे हैं। और यही स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है,
जहां जहां भी भारत का व्यक्ति जाता है वो जातिगत जो गठिया है जातिवाद की गठिया को बांधकर ले जाता है। वो लंदन में भी जाकर खोलता है, पूरे विश्व में वो जाति की गठिया को जातिगत गठिया को जो बांध कर ले जाता है वो खोलता है और वहां पर उस वातावरण को दूषित करने का काम करता है और ऐसे समाज के लोगों को जितना नीचा दिखा सकता है इतना नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह वो इंडिया में पहुंचाता है ऐसे बाहर जाकर के भी वो अपनी कोशिश करता है। भले वो कामयाब हो या ना हो वो एक इशू अलग है क्योंकि वहां राष्ट्र का उन राष्ट्रों का नियम अलग है, उनके संविधान अलग है, उनकी व्यवस्थाएं अलग है, वहां जातिगत आधार पर कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वहां जाकर के अपनी करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। एक सवाल, एक एक और सवाल लूंगा, चूंकि भारत के अभी तीन चार लोग हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो सत्या नडेला है, गूगल में पिचाई है और इंदिरा नुई पेप्सिको में है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों पर है, तेजिंदर क्या लगता है इसे भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं वहां नौकरी करेंगे उनको उनको थोड़ा सा मुश्किल होती होगी क्योंकि बड़े बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर सीईओ के पदों पर अभी भारतीय मूल के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो है, खासकर सुंदर पिचाई हो या इंदिरा नुई हो या फिर सत्या नडेला हो। ये बात है शंभू जी, आपने बहुत जो है वो अच्छा जो ये क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे है कि जो ऊंचे पद हैं उनके ऊपर सीईओ की और सीआईओ की और जो जो जॉब्स है ना उनके ऊपर है, क्योंकि हम लोग जो जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको बोला जाता है ठीक है ना, वो उनका कोई उनकी एक अप्रोच है, जे जहां पर तो जा सकते हैं उनके ऊपर अगर जाना चाहे तो उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, कहीं 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 पर वो ऐसे होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे है ना कि उनको वहां पर जो जो पिचाइज ही हो या कोई और हो जे पहुंचने पहुंचते हैं तो जो दूसरे लोग हैं जो जिनको लोअर कास्ट बोला जाता है और माइनॉरिटीज बोला जाता है वो लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि उन वो चाहे उनके उनके पास जो ब्रेन है ना उनसे भी ज्यादा हो लेकिन ये भेदभाव तो बहुत मतलब ज्यादा होते हैं उन कंपनियों में जहां भारत के सवर्ण समाज के लोग बड़े पदों पर हैं उसमें भारत के ही दूसरे लोग। अच्छा, ये इनको जो नौकरियां मिलती है तेजिंदर उनको एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर मिलती है, चूंकि एशिया के नाम पर जो डाइवर्सिटी है जो जो अमेरिका के समाज में जो अफ्रीकन समाज को है एशियन समाज को जो डाइवर्सिटी है उसके आधार पर इनको प्राथमिकता दी जाती है? नहीं, ऐसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि अमेरिका कोई लॉ ही नहीं अलाउ करता। अमेरिका का लॉ ऐसे अलाउ करता है जिसकी कैपेबिलिटी है वो नौकरी ले जाए, लेकिन जो है ना जैसे अफ्रीकन लोगों को या एशिया के लोगों को वो कंपनियां रखती है, ये तो मैंडेटरी है कि कुछ अफ्रीकन कुछ एशियन आप रखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है क्योंकि मैंने जितनी जितनी कंपनीज में जॉब किया है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बट जब आप लोग हायर लेवल के ऊपर ये आदमी बैठे हुए हैं इनका ब्रेन सेट ऐसे है क्योंकि माइंड लेकर चलते हैं तो ऊंचे पदों के ऊपर माइनॉरिटीज और जो दूसरे लोग हैं उनको आप बहुत कम देखोगे। अगर कंपनी फुल फ्लेज अमेरिकन होगी तो उसमें आप माइनॉरिटी के हायर लेवल के ऊपर भी आदमी जा सकता है, लेकिन जहां पर आपने गूगल की बात की और बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी बात करते हैं तो वहां पर जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर जो बैठा है जिस वो हायर अथॉरिटी के ऊपर बैठा है उसके ब्रेन में भी यही बात है। परमजीत, मैं अगर ये सवाल पूछूं कि जो भारत के लोग जिन्होंने वहां कंपनी खोल रखी है और वो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तब तो वो बिल्कुल भारत के एससी एसटी ओबीसी को नौकरी नहीं देते होंगे, अगर कोई भी जो बताना चाहे परमिंदर या परमजीत जो बताना चाहे। तो ये चलो हरजिंदर बता देगा। ये बात है आपने शंभू जी, ऐसे है कि जहां पर अमेरिका में क्या है जो नए इंडियन आते हैं अगर हायर क्लास के किसी आदमी ने वो कंपनी खोल रखा है लेकिन उसमें वो अगर काम के हिसाब से रखा जाता है आदमी को ठीक है ना, वो रख तो लेते हैं लेकिन उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको सीनियरिटी के हिसाब से और उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको वैसा काम नहीं मिलेगा, ये बात हो जाती है। अगर भारत का कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है जिसने अपनी कंपनी खोल रखा है तो उसमें तो और मुश्किल होती होगी भारत के दूसरे एससी एसटी ओबीसी के लिए।
ऐसे है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भारतीय कंपनी में कहीं किसी में काम नहीं किया, लेकिन ऐसा अमेरिका में क्योंकि ऐसे है क्योंकि जो इंडियन आदमी ने किसी, फॉर एग्जांपल के किसी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन ने कंपनी खोला है, क्योंकि उसमें अमेरिकन को अगर आप वो हायर करता है वो बहुत ज्यादा पैसे के हिसाब से करता है, क्योंकि बात यह है कि कुछ जो कंपनीज है ना, क्योंकि माइंड है जो ऐसे है ना कि जो हायर क्लास के लोग हैं इनकी कोई जात नहीं है, जे हम लोगों के ब्रेन में है, जे इनकी जो पैसा है ना वो जाती है पैसे के हिसाब से, जे देखते हैं कि पैसे के हिसाब से कौन हमसे कम पैसे ले रहा है उसको हायर करते हैं, जो इंडियन है वो कम पैसे लेते हैं उनको जो हायर कर लेते हैं, लेकिन काम जो वैसा ही देते हैं अपने अंडर रखने का, क्योंकि इनकी कंपनी में कोई वाइट लोग तो जाएगा नहीं, जहां अमेरिकन कोई जाएगा नहीं, इसीलिए इनको हायर तो करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं है कि, क्योंकि इनके पास च्वाइस नहीं होती, अगर इनके पास कोई च्वाइस होगा तो ये उसको कंडेम कर देंगे, तो उसको नहीं रखेंगे ये लोग, क्योंकि चॉइस नहीं होता इनके पास। अच्छा चौधरी साहब, एक और आखिरी सवाल, चूंकि हम लोग चाहते सबको अपने अपने काम पे जाना है, क्या लग रहा है कि भारत के लोग जहां भी जाए, जैसे सिस्को का जो पूरा मामला है, चूंकि अमेरिका है तो वहां कोर्ट में पूरा मामला चला गया है, कार्रवाई भी हो जाएगी, परविंदर क्या लगता है, चलते फिरते सड़क पर भी इस तरह के अनुभव होते हैं आपको? निश्चित रूप से, देखिए ये तो अब वर्ल्ड वाइड पिक्चर आज आपने खोजी है, पूरे विश्व का पिक्चर आपके सामने है कि अगर किसी कंपनी का सीईओ मालिक सामान्य जाति भारत का रहने वाला है, तो अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि उस कंपनी में उच्च पदों पर माइनॉरिटी और SC/ST का आदमी नहीं देखा जाता, अगर मालिक जो है अमेरिकन है तो वहां पर माइनॉरिटी के लोग, SC/ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग उच्च पदों पर देखे जाते हैं, तो इसका मतलब ये इस बात को स्थापित करता है, सत्यापित करता है कि अगर भारत का कोई भी आदमी पूरे विश्व में कहीं भी विराजमान है और वो किसी पोजीशन में है, तो हर हालत में देश के SC/ST माइनॉरिटी OBC के लोगों के लिए उसके मन में भेदभाव है और जातिगत दुर्भावना का रहते हुए वो उनका नुकसान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, हमारी एक IFS बेटी खोबरागढ़े थी, जो न्यूयॉर्क के अंदर पोस्ट थी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी थी, उनके घर में कोई नौकर का इशू आया और वो इशू जब जज के सामने गया तो जज जो था वो भारतीय मूल का जज था और उस जज ने जो कुछ किया वो आज आपके पूरी दुनिया के सामने, वो बेटी आज हमारी भारत में ही है और वो बाहर भी कहीं नहीं जा सकती। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर आपकी गर्दन इनके हाथ में चली गई तो विश्वास रखिएगा ये छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि अपनी गर्दन को बचा कर रखिए, इतने मजबूत बन जाइए कि आपकी गर्दन तक किसी का हाथ ना पहुंचे, और अगर आपकी गर्दन इनके हाथ में आएगी तो ये आपको किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, SC/ST OBC माइनॉरिटी के साथियों, सब लोग बाबा साहब के संविधान को अपना नेता मानो, बाबा साहब के संविधान को अपना नेतृत्व दीजिए, सब लोग इकट्ठे हो जाइए, जात पात के बंधन से मुक्त होइए और एक सशक्त बहुजन समाज का निर्माण करिए और इस पावर को अपने हाथ में लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति सुरक्षित होगा और एक एक व्यक्ति को आने वाले समय में जीने की नई राह मिलेगी, आपको सम्मान से जीने का अवसर मिलेगा। मैं यही संदेश है अपने समाज के लिए। एक तो अमेरिका को लेकर हम लोग के मन में सम्मान है कि बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े और उन्होंने भारत का संविधान दिया। अमेरिका में कार्रवाई तो हो रही है, ये सब लोग अभी एक नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ अमेरिका से ही, तेजिंदर शायद इनका नाम भी जानते होंगे, नाम चूंकि आ नहीं रहा है इनका फोन पर, आप अपना नाम बता दीजिए पाजी। जी मेघराज सिंह मेरा नाम है। मेघराज सिंह जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो ये देखिए ये सब लोग अमेरिका में हैं, भारतीय मूल के हैं। अच्छा आप लोग जब भारत में जातिवाद की खबरें सुनते हैं, जातीय हिंसा होती है यहाँ, जाति के नाम पर लोग मारे जाते हैं, तो लगता होगा कि अमेरिका कम से कम सेफ देश है इसके लिहाज से, और यूरोप या अमेरिका? देखो नस्लवाद तो यहाँ भी है, लेकिन इंडिया में क्या है कि जात पात की जो नफरत फैली हुई है ये बहुत खतरनाक चीज है, और जिन्होंने फैलाई है जात पात है ये उनके लिए भी खतरनाक खतरे घंटी है, और ये मेरा अपना मानना ऐसा है कि ये जात पात एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एटम बम तो इंसान को एक बार मार देता है, लेकिन जात पात ऐसी खतरनाक चीज है कि ये इंसान को बार बार मारती है, और ये ऊंची जात की जो है समझते कि हमें जात पात से नुकसान नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो घमंड उनके अंदर आ जाता है
और घमंड जाता वहां सच नहीं जाता, और जहां सच नहीं जाता वहां पर नफरत ही नफरत होती है, और नफरत जो इनके अंदर पैदा हो रही है या सब में नफरत फैला देते हैं, तो जो जो जिनको जात का बनाया है वो जिनको हीन भावना के अंदर फंस गए हैं, वो हीन भावना के अंदर ऐसे फंस गए हैं कि वो अपने आप को नीच जात का मान रहे हैं, तो भी खतरनाक है। तो दोनों के लिए जात पात इतनी खतरनाक है। एक और सवाल, सब लोग चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। अमेरिका में जो अभी श्वेतों का आंदोलन, काले लोगों का आंदोलन चला था, भारतीय मूल के जितने लोग थे, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो या सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, सबने कहा कि हम लोग काले लोगों के साथ हैं। लेकिन ये जब ब्लैक और व्हाइट का आंदोलन होता है तो ये काले लोगों के साथ हैं, लेकिन जब जाति की बात आती है तो ये लोग नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। क्या ये सिस्को का मामला इतना बड़ा है तो लगता है कि सुंदर पिचाई या सत्या नडेला या फिर इंदिरा नू ये लोग कुछ बोलेंगी इस मामले पर? तेजिंदर, आपकी आवाज अनम्यूट है। तेजिंदर, सॉरी मेरी आवाज म्यूट थी, सॉरी। अच्छा, बात ये है, अगर ये मामला ऐसे है ना कि हम लोग बोल रहे हैं कि मामला बहुत बड़ा है, बड़ा मामला बनता कैसे है? अगर वो तो मामला मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां में होगा तो सोशल मीडिया में, हम लोग उस मामले को ऐसे बड़ा कर सकते हैं कि उनको जवाब देना ही पड़े। हम लोग चाहे तो इस मामले को थोड़ा नीचे लेवल के रख सकते हैं तो वो लोग जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे कैपेबिलिटी के ऊपर है कि हम लोग इसको कितना बड़ा करते हैं। अगर बड़ा होगा तो वो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, हमने बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखी, हमने वहीं से खबर ली है, और भारत में तो ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कि इस में जो कास्टिजा में उसके खिलाफ भी बात की जाए, इसीलिए हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। और चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम अवेयरनेस है, और आप लोग जब, चूंकि आप लोग हमारे बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हैं, हम भारत के लोगों के बारे में आप लोग कंसर्न रखते हैं कि भाई वहां जात पात ना हो, तो अमेरिका में हुआ तो मुझे लगा कि हमें अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनको लगे कि भाई ये जब ये जो पूरा नेशनल दस्तक पर वीडियो जाएगा तो पूरे देश के लोग देखेंगे, और मुझे लगता है वो जो पीड़ित हैं उसके पक्ष में वो लोग खड़े होंगे। तो मेरी कोशिश यही थी बातचीत आप लोग करने का, चूंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो हमारे NRI है या दुनिया भर में, भारत में जब कास्ट सेट्रोसिटी होता है तो वो हमसे बात करते हैं, हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाते हैं, तो मुझे लगा कि एक भारतीय के तौर पर भी हमारे जो भाई दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाई चाहिए। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल है कि क्या जो भारत के और बाकी लोग हैं जो जाति व्यवस्था के तहत तो हैं लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो इस मामले पर कुछ रुख अपनाएंगे? उन लोग को लगेगा कि भाई भारतीय के साथ ये सब हो रहा है तो हमको इसका विरोध करना चाहिए, जो कि भारतीय ने ही भारतीय के साथ ये सब किया है। लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चौधरी जी, हाँ परमजीत बोलेंगे। हाँ परमजीत, हाँ, मैं कुछ थोड़ी पॉजिटिव चीजें बताता हूँ इधर की। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। जब हम इधर आते हैं ना NRI, तो सबसे पहले हम जाति को तोड़ने का काम भी करते हैं। वो ऐसे है कि हम ऐसे चार चार लोग रहते हैं टुगेदर, जब जंग एज में आते हैं, जब किसी भी कंट्री में हो, तो वो अलग अलग कास्ट के होते लोग। तो हमको पंजाब में भी ऐसे एक घर में रहने का मौका नहीं मिलता, तो अपनी अपनी कास्ट के लोग उधर रहते हैं पंजाब में भी या इंडिया में भी। पर इधर जब आते हैं तो सबसे पहला काम हम ये भी करते हैं कि कास्ट को हम ही तोड़ते हैं, टुगेदर रहते हैं। जैसे अभी इंग्लैंड है, वहां इंटर कास्ट मैरिज काफी हो रहे हैं, तो जो बच्चे उधर बॉर्न हुए, ग्रो अप हुए, तो उनमें थोड़ा काम है ये कास्टिज्म। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है जो अच्छी नहीं हम बोल सकते। तो ऐसे रला मिला है, तो बुरी घटनाएं भी है, अच्छी भी है, सारा कुछ। परमजीत, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको चूंकि मैंने सुबह 5 बजे जगाया, मुझे पता है नाइट कल्चर है। हाँ, मैं तो रेडी हो गया, थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ कम तो। सो ठीक है ना, देखो प्रॉब्लम तो है, जैसे प्रॉब्लम है यहाँ, देखो अगर कोई कास्ट, जैसे कोई मैरिज भी दूसरी कास्ट से करता है ना, एंड ऑफ का डे उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। वो तो अपने आदमी को बुलाता भी नहीं जो दूसरी कास्ट से, बहुत सारे लोग हैं हमको भी जानते हैं, अगर कोई दूसरी कास्ट की ओर से शादी कर लेता है तो वो तो अपने आदमी को बुलाता भी नहीं, अपने आप को बताता नहीं कि मैं श्यूर कास्ट हूँ।
बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। हाँ जी, मेरे बहुत सारे लोग इंग्लैंड में मेरे रिश्तेदार आप समुंदर पार चले जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जी बात ये है कि इंडियन लोग जो है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मैं ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैं जो अपर कास्ट है ये ही जाति लेकर चलती है, लोअर कास्ट भी जाति लेकर चलती है। नहीं तो तेजिंदर, लोअर कास्ट जिसको आप कह रहे हैं, मैं उसको एससी एसटी ओबीसी कहता हूँ, क्या वो कहीं नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे को? नहीं, वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्होंने जैसे है ना कि अपने माइंड में सेट कर रखा है हमें लो क्लास है। लेकिन ये बात है, भारत में कहावत है कि सेव पर चाकू गिरे या चाकू पर सेव गिरे, कटना तो सेव को, कटना तो उसी को है। ये तो बात है, जाति जिसके दिमाग में भी है, नुकसान तो एससी एसटी ओबीसी जो जिसको यहाँ लोअर कास्ट कहते हैं, मैं तो उसको या जाति लेकर सभी चलते हैं, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज का ही होगा। जैसे आपने कहा चाकू सेब वहां पर गिरे, तो कटना सेब को ही है। लेकिन अच्छी बात, आप सब लोगों ने समय दिया, आप लोगों को काम पर जाना है। आप लोग चौधरी जी एक लास्ट कमेंट आप कर दीजिए कि क्या भारत में कम से अमेरिका में कम से कम कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। भारत में तो हम अपने ही देश में कहीं ना कहीं कानून में, चूंकि कोलिजियम सिस्टम है और जजेस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपके जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उनको कितना परसेंट न्याय मिलता है? क्योंकि अमेरिका में तो फास्ट ट्रैक है, अच्छा कोर्ट है, देर सवेर न्याय मिल जाएगा। यहाँ तो हर कर्मचारी के साथ जितनी त्रुटिपूर्ण है शंभु जी पूरा, मैं तो कहूंगा कि मेरा अनुभव तो न्याय प्रणाली के बारे में यह है कि 1997 में आरक्षण विरोधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, 2020 में भी जब महामारी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद यानी फरवरी में हमारे खिलाफ दे दिया, आरक्षण के खिलाफ दे दिया, एससी एसटी के खिलाफ दे दिया, और अभी आपने देखा कि मई में भी एक के बाद हमारे खिलाफ ऑर्डर दिए। तो मेरी जानकारी के हिसाब से एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है समाप्त करने के लिए आदेश किए। तो जो जुडिशियरी भारत की है, जो उसमें सामान्य जाति के लोगों का पूरा पूरा वर्चस्व है और एससी एसटी लोग और ओबीसी के लोग संख्या में बहुत कम है, तो यहाँ पर न्याय की संभावना इतिहास बताता है कि ना के बराबर है। और जहां तक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के उनके विभागों की बात है, उनकी सीआर स्पॉइल करना, उनकी सीआर खराब करना, उनके प्रमोशन रोकना, उनको खराब पोस्टिंग देना, उनको विजिलेंस में फंसाना, उनको चार्जशीट करना, ये तो मैं पिछले करीब 30 साल से देख रहा हूँ, ये एक आम बात है। तो मैं ये कहूंगा कि एससी एसटी का आदमी चाहे सरकार की नौकरी में हो, चाहे वो किसी काम धंधे में हो, चाहे गांव में बेचारा गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा हो, उसके साथ एट्रोसिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी भारतवर्ष में नजर नहीं आती है, और आने वाले समय में उसमें कमी होने की बजाय वो बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। फिर मैं यही अपील करूंगा कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी सामाजिक शक्ति बनानी है, सामाजिक संगठन तैयार करना है, उसी के आधार पर आने वाले समय में इस जातिगत जाति का मतलब जाति नहीं है, हर आदमी का इंट्रोडक्शन होता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊं, मुझसे अगर कोई पूछता है, मैं जहाज में जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, कहीं भी बस में जाता हूं, मुझसे पूछेगा कोई आदमी कि जी आपका शुभ नाम, तो मैं बोलता हूँ केपी चौधरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अगला सवाल होता है, अच्छा आप तो चौधरी हैं तो जाट होंगे, तो जब मैं उसे बताता हूँ मैं जाट नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, तो इसके बाद में वो कहता कोई बात नहीं। अरे बात कौन सी होनी चाहिए? बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान में सबको बराबर हक दिए, संविधान में कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, उसके बावजूद भी मानसिक संतुलन लोगों का ऐसा दूषित है कि वो हर बात को जाति के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। और शेड्यूल कास्ट का आदमी चाहे चीफ जस्टिस बन जाए, चाहे भारत का राष्ट्रपति बन जाए, चाहे किसी और पद पर चला जाए, लेकिन उसके नाम के पहले अगर आपने देखा तो मीडिया भी और भारत के ये दूषित मानसिकता के लोग, अगर चीफ जस्टिस होता तो कहते दलित चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति बनता तो कहते दलित राष्ट्रपति, अगर वो आईपीएस बनता तो दलित कलेक्टर। ये सामान्य चीज भारत के अंदर होती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूंगा भारत में रहने वाले सभी लोगों से कि ये जातिगत दुर्भावना से ऊपर उठिए और जातिगत दुर्भावना एक सशक्त समाज की स्थापना करिए, भाईचारा पैदा करिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आइए, एक दूसरे के सहयोगी बनिए, और इस जातिगत भावना से जब तक हमारा देश नहीं निकलेगा तब तक देश का चहुमुखी विकास किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। आप लोग चूंकि सबको जाना है, एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जिनके पास समय नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ आप सब अमेरिका में हैं तो बहुत बिजी हैं, शेड्यूल है, तो
तो आप लोग जा सकते हैं जिनको जिनके पास समय नहीं है। हमारे साथ गेस्ट और जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा उनसे फाइनली बात करूं। जेपी आप लोग का जो लोग भी जुड़े हमारे साथ हाँ okay, तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग जो भी जिनके पास समय है वो रह सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो प्लीज जाइए। और थैंक यू आप लोग हमारे साथ जुड़े। ओके ठीक है। तो महेश वासनिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सवाल हम उनसे लेके इसको बाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को। और तेजिंदर आपका खासकर शुक्रिया कि आपने लोगों को जोड़ने में हमारी मदद की, और जब भी कोई बात होगी भारत अमेरिका के बीच हम आपके साथ जरूर बातचीत करेंगे। ठीक है शंभू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओके शंभू जी। चौधरी साहब आपने भी समय दिया, आपका शुक्रिया। तो महेश वासनिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम लास्ट एक कॉल लेंगे, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। तो अमेरिका में भी एक मामला आया है जिसमें दो भारत के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी के साथ जातीय भेदभाव किया है, सिस्को कंपनी का मामला, और जिसको लेकर पूरा मामला जो है अब कोर्ट में चला गया है। इसी को लेकर हम अमरीका से कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, और उसके बाद भारत से एक बड़े यूनियन के जो SCST फेडरेशन है उसके प्रधान महासचिव जुड़े हुए, तो वो लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे। ये तो है कि अमेरिका में कम से कम सख्त कानून है और वहां का समाज इस तरह की चीजों को टॉलरेट नहीं करता है, लेकिन भारत में जाति कितनी अहम है कि यहाँ के लोग जो सात समंदर पार जाते हैं वो अपनी जाति अपने साथ ले जाते हैं। तो जब तक जाति का नाश नहीं होगा मुझे लगता है हम लोग एक अच्छे इंसान बनना तो दूर की बात है, बेसिक्स राइट्स के लिए भी इस तरह से लड़ते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।